हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। भाई सुबह से बैठा हूँ, अपना काम करने के लिए काम नहीं कर रहा था, लैपटॉप पे बैठा हुआ। बस अभी उठ के गया था खाने पीने के लिए, कुछ लेके आया हूँ। और आज एकादशी भी है, आज गीता जयंती भी है, और अभी तक मैं नहाया भी नहीं हूँ क्योंकि मम्मी और गए हुए हैं कुरुक्षेत्र। आज गीता पढ़ने के लिए, पूरी गीता पढ़ते हैं ना, पूरे श्लोकों का उच्चारण किया जाता है गीता में, और टाइम काफ़ी हो गया है। मैं सुबह से वेट कर रहा था किसी का, मतलब मेरे भैया हैं, उनका वेट कर रहा था। भाई गोली डाल गए, वो भी आए नहीं आज। मतलब जाना था हमने कहीं और जा नहीं पाए, बट कोई बात नहीं, इसको एक साइड पे रखते हैं काम को, अब अपना काम करते हैं। अभी भाई मेरे को अब भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। मैंने 1-1.5 घंटा पहले ही कुछ खाया था क्योंकि फास्टिंग है आज, और ये मैंने मखाने ना अपने पास रख ली थे, बस ऐसे कच्चे ही खाई जा रहा हूँ। मम्मी कुछ बना के गए हुए हैं, वो भी खाते हैं, और मैं नहा भी लेता हूँ भाई पहले, ठीक है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। और मैंने आज भगवत गीता भी नहीं रीड की, वो भी कर लेता हूँ मैं। मैंने कहा फटाफट ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ वरना रह जाएगा ब्लॉग, रहना नहीं है, डेली का ब्लॉग डाल रहा हूँ ना मैं, तो ये भी ज़रूरी है। भाई मम्मी तो बना के गए हैं बढ़िया सा, ये आलू का और मूंगफलियाँ अंदर रखी हुई हैं, गरम गरम बड़ी हैं। व्रत है तो यही खाया जाएगा, दूध लेके मैंने उबाल दिया था, है ना, आज्ञाकारी पुत्र, समझ रहे हो, काम देख रहे हो, बस अब नहा के खाते हैं। नहा के रेडी हो गया हूँ, तैयार हो गया हूँ, और मैंने भगवत गीता भी पाठ कर लिया है, और बस खाना रह गया, अब थोड़ा सा खा लेता हूँ। भाई मैं आ गया हूँ खाने के लिए, कुकर में से निकाल रहा हूँ अपने आलू आज व्रत वाले। मम्मी भी आ रहे हैं, मम्मी का फोन आ गया था कि बस रस्ते में ही है, 2 मिनट में पहुँच रहे हैं, तो चलो बस खाता हूँ फिर निकलते हैं। एक जगह मैं बताता हूँ आपको, अभी भैया का भी फोन आ गया था, भैया कह रहे मैं आ नहीं पाया चंडीगढ़, तू ऐसा कर तू उस साइड आ जा, जीरकपुर में है भैया, भैया कह रहे तू जीरकपुर में आ जाओ। मैंने कहा चलो भैया मैं आता हूँ। तो भाई मैं निकल गया हूँ अभी जीरकपुर के लिए, भैया का दोबारा कॉल आ गया था कि कहाँ पहुँच जाए। मैंने कहा भैया बस पहुँच ही रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी से नहीं आऊँ, मैंने टैक्सी कर ली थी, ऊबर कर ली थी एक्चुअली, ऊबर से जा रहा हूँ क्योंकि अपनी टैक्सी करूँगा, भैया की भी गाड़ी है, तो यार दोनों अलग अलग गाड़ी में क्या होगा ना, कुछ नहीं है, तो बस जा ही रहा हूँ अभी, पहुँच रहा हूँ। आज इतना ट्रैफिक नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट निकला हूँ। सवा नौ हो गए, 9 बज रहे हैं। अच्छा, 9 बजे भाई, मैं पूरा दिन में अपना काम करके रात को निकल रहा हूँ। ठीक है भाई, पर इस टाइम पे नहीं था ना, जाम बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है, सही टाइम पे आ गया। इवन 7 बजे भी आता हूँ ना भाई, जाम पूरा मिलता है यहाँ पे। ठीक है भाई, थैंक यू भाई। उतर गया था मैं, भैया को देना, भैया कहाँ पे हैं? नहा के भाई पाउडर लगवा लिया मुंह पे, गाड़ियां जा रही हैं। मेरा तो फास्ट है, कभी तो पनीर ही मंगाया था। हाँ कल ही पनीर भाई पहुंच गया था भैया के पास। इधर सारे व्लॉग देखता है भाई, व्लॉग देख रहे सारे, चलो कोई तो है देख रहा है, कोई तो देख रहा है भाई, भाई सारे व्लॉग देख रहा है भाई। ठीक है, नेक्सोन की एवरेज निकाल रहा है भाई के पास भी नेक्सोन है। डंकी भाई बता देता हूँ मैं आपको, अपनी हो चुकी है बुकिंग। भैया कौन सी है? डंकी है या डोंकी है? वो डोंकी है, है डंकी भाई, डंकी कर दी है। 12 बजे की, 11:55 की है, देखने चलेंगे। ठीक है चलना, हम मेरे साथ चलना, मैं रिव्यू भी दूंगा आपको, रिव्यू कैसा है। कल ही आई थी मूवी, आज देख लेंगे हम रात को 11:55 में, मतलब 12 बजे के शो देखे। भाई हम निकल गए थे बस, अब यहाँ पे आए मूवी देखने के लिए, इस वाले मॉल में। मैं कभी नहीं आया यहाँ पे मूवी देखने के लिए, लेकिन अब भैया ने बुक कर दी थी, तो देखते हैं कैसा है थिएटर अंदर से, क्या बातचीत है। ओ भाई परों वाली CP67 है मॉल का नाम, तो हम भाई यहाँ पे आए मूवी देखने, होमलैंड वालों ने बनाया ये, सही है। चलो डंकी का दिखाते हैं आपको, क्या बातचीत है उसकी है। बढ़िया से जा रखा है यार, है ना भैया? वहाँ वो देख रहे हैं लाइटें कैसे दिए भाई, सही क्या हो देखो, आधी ऊपर जा रही है आधी नीचे आ रही है भाई साहब। मैं एक बार आया था जब ये मॉल बन रहा था, मैं तब आया था, सारे पैंट जूते सब चिट्टे हो गए थे। लास्ट में आए थे ना यार, यहाँ पे सब कुछ वाइट वाइट हो रखा था भैया के शूज, सब कुछ वाइट हो गए थे। अगर हुई तो ऑडिबल यहाँ पे है, ये रही भाई, ये रही अभी हुई नहीं भाई, ये रही, ये है ऑडिबल। खुल गया भाई, खुल गया, खुल गया। चलो यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ भाई, फर्स्ट टाइम यहाँ पे, और बिल्कुल माइक में घुस के बोल रहा हूँ। अब भाई सही है, अपनी ऊपर वाली हो, अपना है L।
भाई मूवी स्टार्ट हो गई है, अब मैं आपको मिलूंगा इंटरवल में, बताऊंगा थोड़ी सी कैसी है मूवी, ठीक है भाई? अभी तक तो ग्राफ बहुत तगड़ा है, मजा आ गया देख के। Please help us provide you with a delightful experience. इंटरवल भाई ऐसा लग रहा है दुबई में चल रही है गाड़ी सच में। चलो चलते हैं घर पे, यहाँ पे कुछ सामान लेने आए थे क्योंकि आज तो फास्टिंग है, कल तो खाना ही है, थोड़ा सा ले लेते हैं ब्रेड वगैरह ये जरूरी है। चलो भैया ये डाल दो, ठीक है भैया थैंक यू, वो डाल दी इंपॉर्टेंट चीज़ दे दीजिए ना, ठीक है। तो भाई घर पहुँच गया हूँ मैं, मूवी बहुत ज़बरदस्ती अच्छी रही है सच में, अभी तक भी ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं एक बार और देख सकता हूँ ये मूवी, मैं सबको रिकमेंड करूँगा, आप फैमिली के साथ जाके देख सकते हो मूवी, मस्ट वॉच मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। तो ठीक है आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करते रहना, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्ण।